नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टलर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। ईद उल फितर का पर्व आज उपराज्यपाल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने देशवासियों को मुबारकबाद दी। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने पिछले दिनों बाराटांग और करमतला के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। दिल्ली भुवनेश्वर पोर्टब्लेयर सेक्टर में एयर इंडिया की उड़ान सप्ताह में मंगलवार, बुधवार और शनिवार को नहीं संचालित होगी। कैमरेजन में राज्य परिवहन की बस पलट जाने से 20 लोग घायल। और कार निकोबार में आयोजित चैलेंजर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम का फैसला हो गया। समाचारों के इस अंक में ज्योति लकड़ा के साथ मैं रीता बैनर्जी। ईद उल फितर का त्यौहार आज पूरे द्वीप समूह में मनाया जा रहा है। विभिन्न मस्जिद समितियों ने ईद की नमाज का समय घोषित किया है। साउथ पॉइंट मस्जिद और मस्जिद मोहम्मद शाहीपुर में सुबह 7:45 पर नमाज अदा होगी। पोर्टब्लेयर के अबरन जामा मस्जिद और बिलानीपुर जामा मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 8:15 और पुलिस मस्जिद में सुबह 8:30 अदा की जाएगी। मस्जिदी अक्षर प्रेम नगर में नमाज ईद सुबह 8:00 और जुम्मा मस्जिद कृष्णाबाद में सुबह 8:30 अदा होगी। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि रमजान का एक माह मुस्लिम भाई और बहनों के व्रत और साधना में गुजरता है और उसके बाद हर्षोल्लास के साथ मनाई जाने वाली ईद सभी के दिलों में उमंग और उत्साह भर देती है। उपराज्यपाल ने देश समूह के देशवासियों के लिए सुख समृद्धि के साथ आपसी भाईचारे को और मजबूती प्रदान करने की कामना की है। प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा, पूर्व सांसद मनोरंजन भट्ट, दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्षा अबला समद्दार और तेलुगु देशम पार्टी की राज्य समिति के अध्यक्ष एन माणिक्य राव यादव ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने पिछले बुधवार को बाराटांग और कदमतला के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और वहां के निवासियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कदमतला के अतिथि गृह में लोगों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बातचीत की और अंडमान आदिम जनजाति विकास द्वारा फूलतला में आयोजित शिविर का भी दौरा किया। उन्होंने कदमतला के स्कूल का भी निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया कि शिक्षकों की खाली पदों पर मंजूरी मिलने तक अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाए। उपराज्यपाल बाराटांग में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मिले और उनकी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया। बाद में उन्होंने उत्तरा, गांधी घाट, नीलांबू और मिडिल स्ट्रीट आदि दिक्कतों का मुआयना किया और टीवी सेवाओं के बेहतर रखरखाव और संचालन के बारे में हिदायतें दी। उनके साथ इस दौरे पर मुख्य सचिव, वन विभाग के प्रधान संरक्षक और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी थे। विमान के आने और जाने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस आशय की जानकारी एयर इंडिया के द्वारा देश को दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुब्रत बसु ने देश समूह में बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए पर्यटन उद्योग के तीन विकास की आवश्यकता पर बल दिया है। कल पोर्टब्लेयर में नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पोर्टब्लेयर और मुख्यपुर के बीच बहुत अधिक हवाई खाने की वजह से पर्यटक यहाँ आने के लिए अब उत्साहित नहीं हो रहे हैं। श्री सुब्रत बसु ने प्रशासन से दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की सेवाएं नियमित करने और खाली पदों का नियुक्ति करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि युवा मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आबादी वर्गों के ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 जुलाई से अभियान चलाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रभारी सरस्वती नारायण ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। भाजपा के प्रदेश
फाउंडेशन का अध्यक्ष श्रीमती अमिता जैन ने भी कुछ मुद्दों पर बयान दिया। जॉन कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले सीमा पर हाल से ही शहीद हुए पांच जवानों को कई मिनट के नाम के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी और लोकसभा सुन रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल परिसर में दीपसमी से जुड़े दुर्लभ चित्रों की फोटो दीर्घा का कल प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने उद्घाटन किया। पुराने दिनों में अंडमान नाम के साथ इस फोटो दीर्घा में कुल 40 फोटो लगाए गए हैं। इनमें वाइपर द्वीप के जेल के निर्माण और रॉस आइलैंड के पुराने सभी भवनों और टेलीस्कोप तथा चर्च के दुर्लभ चित्र भी शामिल हैं। कुछ चित्र रॉयल ब्रिटिश लाइब्रेरी से प्राप्त किए गए हैं। पर्यटकों के लिए यह फोटो दीर्घा आकर्षण का एक नया केंद्र होगी।